बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइफ हूँ और तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं है। आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रखा होगा। बहरहाल आपके साथ ये मैं एक न्यूज़ शेयर करना चाहता था, इस तरफ या इस तरफ साथ में आपको दिखा भी दूंगा मैं। ये भाई मदीना मुनव्वरा से ली गई एक खबर है। मैंने बोला आप भाइयों को अपडेट कर दूँ, किस लिए? एक खासकर वो मेरे भाई जो यहाँ पर रहते हुए कोई भी किसी किस्म का किसी तंजीम को चंदा वगैरह देने की कोशिश करते हैं, या उसके अलावा हुंडई वगैरह के थ्रू, जैसा कि हुंडई बोलते हैं उसके हुंडई बोलते हैं, क्या मुझको तो उसका नाम भी नहीं आता है सही। तो बनी मालक में भी एक दो केस मैंने ऐसे देखे हैं, मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे। तो अगर उसके थ्रू वगैरह भी आप पैसे भेजते हैं, तो ये पांच भाई यहाँ पर आपको मैं दिखा रखा हूँगा। सॉरी यार, ये पांच के पांच भाई पाकिस्तानी हैं। अच्छा, ये पांच के पांच बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं, इनके पास से लाखों रियाल भी बरामद हो चुके हैं जो इनके पास उस वक्त भाई मौजूद थे। ये पकड़े कैसे गए हैं ये भाई? जब ये रकम किसी दूसरी कंट्री में मुंतकिल, यानी कि स्मगलिंग बोल रहे हैं आप, कर रहे थे उस टाइम पकड़े गए हैं। गैर कानूनी तरीके से इन्होंने भाई ये रकम इकट्ठी की है। अभी ये इसमें तफसील नहीं बताई गई है इस न्यूज़ में कि ये किस चीज़ को, यानी कि किस चीज़ की बात सुनाकर, कौन सी लोगों को इन लोगों ने, यानी कि गेम वगैरह चलाई है बंदों के साथ, या कौन सी उनको कहानी सुनाई है जो इतनी रकम इकट्ठी की है। तो मुझे तो होंडई वाला ही मामला लगता है। बहरहाल जो भी है जी, ये पकड़े गए हैं अभी पांच के पांच पाकिस्तानी हैं, और इनमें मैं एक देख रखा था कोने के ऊपर, वो गालिबन बुजुर्ग हैं और उनकी सफेद दाढ़ी भी मुझे लग रही है। तो बहरहाल जो भी है जी, पांच के पांच पाकिस्तानी थे, काफी अफसरदा बात मुझे भी लगी है। तो एहतियात करें, ऐसा कोई भी चंदा वगैरह या हंडाई वगैरह के थ्रू पैसे भेजने से बाज रखें।